क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल जिसका नाम यू आर क्रिस्टियानो है हाल ही में लॉन्च किया गया और इसे तुरंत ही अद्भुत सफलता मिली। इस चैनल ने लॉन्च होने के केवल 90 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 10 घंटे के अंदर ही इसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड मिस्टर बीस्ट के पास था जिसने इस मील के पत्थर तक पहुंचने में 132 दिन लिए थे। रोनाल्डो का यह चैनल उनके जीवन की निजी झलकियां दिखाता है जिसमें उनके परिवार के साथ के पलों से लेकर उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। इसके अलावा चैनल पर फुटबॉल, स्वास्थ्य, पोषण, तैयारी और उनके व्यवसायिक उपक्रमों पर भी सामग्री है। इस चैनल पर क्रिस्टियानो अपने सबसे बड़े जुनून फुटबॉल के बारे में बात करेंगे, साथ ही उनके अन्य रुचियों के बारे में भी जानकारी देंगे। चैनल के माध्यम से उनके प्रशंसकों को उनकी जीवन शैली, उनके व्यायाम रूटीन और उनके परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यह चैनल सिर्फ रोनाल्डो के फुटबॉल करियर तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें उनके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए चैनल पर उनके फिटनेस एप्लीकेशन इराकुलिस और उर्सु वाटर जैसे व्यवसायिक उपक्रमों का प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा चैनल पर उनके CR7 ब्रांड के विभिन्न उत्पाद जैसे कि फ्रेग्रेंस, अंडरवियर, आईवियर और फुटवियर भी दिखाए जाते हैं। यह चैनल उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करता है और यह दर्शाता है कि रोनाल्डो अपने प्रशंसकों से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। इस चैनल की सफलता ने यह भी साबित कर दिया है कि रोनाल्डो की वैश्विक लोकप्रियता अभूतपूर्व है। उनके सोशल मीडिया पर लगभग 1 अरब फॉलोअर्स हैं, जिनमें से केवल इंस्टाग्राम पर ही 636 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यह चैनल उनकी उस लोकप्रियता का विस्तार है जिसे उन्होंने अपने फुटबॉल करियर के दौरान प्राप्त किया है। उनके चैनल की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने दुनिया भर में एक चर्चा छेड़ दी है। प्रशंसक और आलोचक दोनों ही इस बात पर अचंभित हैं कि कैसे रोनाल्डो ने इस तरह का प्रभावशाली डिजिटल उद्यम शुरू किया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह YouTube पर भी अन्य बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जैसे मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ सकते हैं, जिनके वर्तमान में 311 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। रोनाल्डो का यह कदम ये भी दर्शाता है कि कैसे खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में बड़े नाम अब डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने प्रशंसकों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह चैनल केवल एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि यह उनके प्रशंसकों के लिए एक नई तरह की इंटरैक्टिविटी और जुड़ाव का माध्यम है। अंत में यह कहा जा सकता है कि रोनाल्डो का यह डिजिटल उद्यम न केवल उनके व्यक्तिगत ब्रांड के विस्तार का एक हिस्सा है बल्कि यह उनके प्रशंसकों को उनके जीवन में और गहराई से झांकने का एक अवसर भी प्रदान करता है। इस चैनल की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोनाल्डो केवल एक महान फुटबॉल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय डिजिटल प्रभावक भी हैं। इस चैनल की सफलता ने यह भी साबित कर दिया है कि डिजिटल युग में बड़े नामों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि वे अपने प्रशंसकों से जुड़े रहने के लिए नए और आधुनिक माध्यमों का उपयोग करें। रोनाल्डो ने इस चैनल के माध्यम से अपने प्रशंसकों को यह दिखा दिया है कि वह न केवल मैदान पर बल्कि डिजिटल स्पेस में भी सबसे आगे है।